हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी लहसुन का अचार। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। लहसुन तो गुणों से भरपूर होता है, सर्दियों में खाना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लहसुन का अचार। लहसुन का अचार बनाने के लिए ये मैंने 350 ग्राम छिला हुआ लहसुन लिया है। लहसुन को छीलने के लिए आधा एक घंटा पहले पानी में भिगा दें, फिर लहसुन बहुत आराम से छिल जाता है। और उसको सूखे कपड़े के ऊपर फैला दें, क्योंकि अचार बनाने के लिए इस पे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैंने मोटा वाला लहसुन लिया है, अगर आपके पास पतला वाला है तो वो भी ठीक है, दोनों तरह का ही लहसुन ले सकते हैं। ये एप्पल साइडर विनेगर है, ये मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे अचार में खटास भी आएगी और प्रिजर्वेशन भी मिलेगा। अगर आपके पास प्लेन वाला विनेगर है तो वो भी डाल सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर और हेल्दी होता है, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब आगे की तैयारी करूँगी। अब अचार के लिए मसाला तैयार करूँगी। ये मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ ली है, 3 टेबलस्पून काली सरसों ली है, 1 टेबलस्पून अजवाइन ली है, 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, 1 टीस्पून रेगुलर नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हींग लिया है, हींग का फ्लेवर अचार में बहुत अच्छा लगता है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, ये अचार को बहुत ही अच्छा सा कलर देगी। अब इन सबको दरदरा सा पीस लूँगी। ये देखिए मसाला दरदरा सा पीस गया है। अब इससे अचार तैयार करूँगी। अब कोई भी पैन या कढ़ाई ले लें। 1/2 कप मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल को अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए तेल अच्छी तरह से पक गया है, हल्का हल्का सा इसमें से धुआं आने लग गया है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और आधा मिनट के लिए वेट करूंगी। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून कलौंजी डाल रही हूँ, ये जिसको मगरेला भी कहते हैं, कलौंजी सीड्स, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और जो गार्लिक हमने एप्पल साइडर विनेगर में भिगाया था वो इसके अंदर डाल दूंगी। गैस बंद है, गैस को ऑन नहीं करना है। मसाला जो हमने बनाया था वो सारा मसाला इसमें डाल दूंगी। अच्छी तरह से मसालों को गार्लिक के साथ मिला देंगे। गार्लिक का अचार बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन जाता है। ये देखिए हमारा अचार बन गया है। अब जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसको कंटेनर में डालेंगे। अचार बिल्कुल ठंडा हो चुका है, कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। अब मैं इसको कंटेनर में शिफ्ट करूंगी। जिस भी कंटेनर में आपको अचार डालना है, 1 टेबलस्पून पहले एप्पल साइडर विनेगर डाल लें, उसको पूरे कंटेनर में अच्छी तरह से इस तरीके से हिला देंगे। अब इसके ऊपर अचार डालेंगे। ऐसा करने से अचार हमारा बिल्कुल खराब नहीं होगा। 2 टेबलस्पून सरसों का तेल मैंने पका के ठंडा कर लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब अचार के कंटेनर को कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें। ये देखिए कॉटन का कपड़ा इसके ऊपर ढक के एक रबड़ बैंड लगा दें और इस तरीके से इसको 2 से 3 दिन धूप लगाएं। ढक्कन लगा के धूप में ना रखें, उससे क्या है कि स्टीम बन जाती है और पानी अचार में गिरेगा और अचार खराब होने का डर रहता है, इसलिए उसको कपड़े से ढक के ही धूप में रखें। लीजिए बनके तैयार है हमारा टेस्टी टेस्टी लहसुन का अचार। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।